नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। कल जो हरमनप्रीत कौर ने एम्पायर शो पर जो बयान दिया था, जो बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया था इंडिया वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच, और मैच के बाद जो वो एम्पायर्स पर बोलती हुई नजर आई थी, जो कल हमने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए थे, बोला था पथेटिक एम्पायरिंग हो रही है। और बिल्कुल हम जब इसके बाद अगले टूर के लिए जब बांग्लादेश आएंगे तो इन सब के लिए आदी होंगे, इन सब के लिए तैयार होंगे, जब वो इस तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आई थी। मैंने बोला भी था कि वहां पे अब फाइन आईसीसी की तरफ से लग सकता है, और वो बिल्कुल लग गया है। आपको बता दूं कि हरमनप्रीत पर 75% मैच फीस का जुर्माना लगा है और 3 डिमेरिट पॉइंट दिए गए हैं। और ये याद रखिए दोस्तों कि डिमेरिट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले बता दूं कि अगर कुछ भी नियमों का उल्लंघन होता है तो वहां पे आईसीसी किसी भी प्लेयर को डिमेरिट पॉइंट देता है, और 3 डिमेरिट पॉइंट दिए गए हैं। और अगर 1 डिमेरिट पॉइंट और मिल जाते हैं अगले 2 साल के भीतर हरमनप्रीत कौर को, तो उनको एक टेस्ट या 2 ODI या T20 मुकाबले से बैन कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से जो नियम है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत, अगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी तहत से अगर वो पाया जाता है उसका उल्लंघन करता है, तो वो आईसीसी इन्हें सजा देती है, और उसके तहत ये जो वो एक तरीके से फाइन है और जो डिमेरिट पॉइंट दिया गया है आईसीसी की तरफ से, वो बिल्कुल सही भी है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो इशारा किया था, चाहे वो ऑडियंस की तरफ हो या एम्पायर्स पर जो सवाल उठाए थे। सबसे पहले बता दूं दरअसल हुआ क्या था, 34वां ओवर चल रहा था, जो 160 पे 2 विकेट भारतीय टीम थी, हरमनप्रीत 21 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रही थी, 20 गेंदों पर ही, क्योंकि 21वीं गेंद पर वो आउट हो जाती हैं। और वहां जब स्पिनर आती हैं बांग्लादेश की, तो वो LBW की अपील करती हैं और एम्पायर्स आउट दे देते हैं, और वहां एम्पायर के फैसले के बाद बल्ला विकेट पर मारती हुई नजर आती है हरमनप्रीत कौर। और जब जाती हैं वहां से, तब क्राउड की तरफ से भी कुछ उनको कहा जाता है, उनको भी थम्स अप करके एक तरीके से कुछ चुप कराने का इशारा करती हुई नजर आती हैं। और उसके बाद जब मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन के लिए आती हैं, तो वहां पे वो बोलती हुई नजर आती हैं, बिल्कुल पथेटिक एम्पायरिंग हुई है बांग्लादेशी एम्पायर के द्वारा, क्योंकि लोकल एम्पायर थे वहीं के। और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हरमनप्रीत कौर इसके लिए जाने भी जाती है, वो इमोशन को छुपाती नहीं है, वो व्यक्त कर देती हैं उसी पर, और वो वैसा ही देखने को मिला। उन्होंने BCCI के जो वहां लोग मौजूद थे उनको भी धन्यवाद किया कि आप लोग यहाँ मौजूद थे, और जब हम अगली बार वहां जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, तो वहां पे इन सब के लिए तैयार रहेंगे। और बिल्कुल जो सवाल उठाए थे उसी का एक नतीजा है कि आईसीसी ने उन पर फाइन लगाया है, 75% मैच फीस का जुर्माना और 3 डिमेरिट पॉइंट, और अब उनको सावधान रहना पड़ेगा अगले 24 मंथ तक, क्योंकि अगले 24 मंथ तक अगर एक और डिमेरिट पॉइंट मिल जाता है तो एक टेस्ट या 2 लिमिटेड ओवर, यानी वो T20 भी हो सकता है और ODI भी हो सकता है, उससे बैन का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।